प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सागर जिले के बीना में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड वीरों की धरती है। एक महीने में दूसरी बार सागर जिले में आने का मौका मिला है। पिछली बार संत रविदास जी के भावी स्मारक पूजन में आया था। आज मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देने वाली परियोजनाओं का भूमि पूजन करने के लिए आया हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सभा स्थल पर 1800 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास किया। इसमें नर्मदापुरम के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रक्षेत्र, आईटी पार्क 3 और 4, इंदौर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, रतलाम और 6 इंडस्ट्रियल पार्क शामिल है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, ये जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का मम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं, इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं।